स्वीकार कर और जनता विकल्प चाहती है। आप विशेष राज का दर्जा नहीं मिला माननीय मुख्यमंत्री जी तेजस्वी प्लेटफॉर्म पे इन्होंने प्रधानमंत्री जी के सामने पटना यूनिवर्सिटी की मांग की, लेकिन माननीय पटना यूनिवर्सिटी को विशेष पैकेज का क्या हुआ? ए सोनू भी आप कैमरा रखिए, हर एक षडयंत्र के तौर पर बीजेपी जो करता है उसका एजेंडा फिक्स है। और जेपी नड्डा जी ये जो लोकतंत्र की जननी है यहाँ आकर के बोलते कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे, तो इसका मतलब क्या है? यानी विपक्ष को समाप्त करेंगे मतलब लोकतंत्र को समाप्त करेंगे, यानी लोकतंत्र की जननी में आकर के आप लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। ये बिहार के लोग नहीं सहेंगे, ये हमारा दायित्व है सबसे पहले देश के संविधान को बचाना। और हम तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं, इन्होंने एक फिर से एक बार लीडर निर्णय लेने का काम किया। आज बीजेपी का तो एक ही काम है, डराओ, जो डरता है उसको डराओ और जो बिकता है उसको खरीदो। पूरे देश में क्या हो रहा है आपको नहीं पता, अभी झारखंड में क्या हो रहा नहीं पता, महाराष्ट्र में क्या हुआ नहीं पता। तो इसलिए सभी लोगों ने आज हमारे यहाँ 5 दलों की बैठक में जिम्मेवारी दी गई निर्णय लेने की। हमने यही बोला कि मुख्यमंत्री अगर कोई निर्णय लेते हैं उसके बाद हम अपना इन्होंने निर्णय लिया बिहार के हित में, नेशनल शपथ ग्रहण कब होगी बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, अमन चैन गंगा जमुना तहजीब बचाने के लिए। अरे यार आगे कैमरा क्या करे आप, कब लीजिएगा? हम लोग तो समाजवादी लोग हैं, हमारे पुरखों की जो विरासत है वो सब कोई और ले जाएगा क्या? हमारे पास रहेगा। अरे हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देते हैं कि बीमार अवस्था में भी जो है जो उनका भी जो निर्णय है, क्योंकि राष्ट्र अध्यक्ष उनके पास जब प्रस्ताव गया तो उनसे जब हम लोगों ने बात की, पार्टी के लोगों ने बात की, क्योंकि हर एक लोग बिहार की जनता हमारे पार्टी के वर्कर, हमारे पार्टी के विधायक, यार सब लोग चाहते हैं आपका परेशान कर रहा है, किसी भी तरीके से भाजपा का जो एजेंडा है उसको बिहार में नहीं चलने देना है। और लालू जी को तो आप जानते ही हैं, अडवाणी जी के रथ को रोका था, किसी भी कीमत पे ना झुकने को तैयार। शपथ कब होगा ये भी बता दीजिए, शपथ कब होगा बता दीजिए। लोग है, लड़े भी है, आरोप भी है। सोनू भैया नीचे यहाँ रखिए, यहाँ नहीं आ पा रहा ना, हाथ में फाड़ा हुआ है ना, ये मेरे हाथ के ऊपर। शपथ ग्रहण कब होगा? कोई और ले जाएगा क्या? शपथ ग्रहण कब होगा? हर घर में लड़ाई, हर भाई में बक्सा खोती है, उसमें ध्यान नहीं देना। अभी समय क्या है मुख्यमंत्री, शपथ कब होगा? 2024 के लिए नीतीश कुमार के आपके शपथ। सवाल है कि सरकार का क्रेडिबिलिटी क्या है? मुख्यमंत्री जी ने तो देखिए, जब हम लोगों ने जाति जनगणना के बारे में बात की, दो बार जो है उसके सोनू भैया पीछे करिए थोड़ा फूट आ रहा है। अरे दावी कर लो यार कैमरा, तू अध्यक्ष से एकदम फंसा हुआ है, तू ऊपर से हाथ से रहा, काम नहीं कर रहा है, पूरा फंसा गया है चौधरी जी। कहीं अध्यक्षता में तो दो बार पारित हुआ, उस समय भी आप ही के लोग का रोल देख रहे थे कि आप, यानी जो नेशनल इंटरेस्ट का जो एजेंडा था उसमें भी इतने उनका तो मूड क्लियर था। मुख्यमंत्री जी शपथ कब होगा? वोट कब होगा मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री सवाल हम मुख्यमंत्री जी पे छोड़, मुख्यमंत्री जी तेजस्वी तेजस्वी आप इतना तो आप जानते हैं कि सबसे देश में अगर सबसे कोई अनुभवी मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी, सबसे अनुभवी परिपक्व शपथ ग्रहण कोई इनकार नहीं सकता।
कुछ लोग तो प्रचार का काम करते हैं। नरेंद्र मोदी को क्या, अरे तेजस्वी, इस सरकार का ड्यूरेबिलिटी क्या है, इस सरकार का स्थायित्व क्या है, आप लोग कितना इन्वेस्टेड है इस सरकार में, कितने दिन तक ये सरकार चलेगी? बिना इंटरेस्ट के, और ये कोई अपना इंटरेस्ट नहीं है, ये बिहार का इंटरेस्ट है, बिहार के नौजवानों का इंटरेस्ट है। इसलिए 10 लाख युवाओं की सरकार बनी है, युवाओं की सरकार बनी है, हाथ उठा के एक बार भैया।